भू माफिया पर प्रशासन द्वारा कसा गया शिकंजा। बरेली में जिस प्रकार भू माफियों के खेल दिन प्रतिदिन पूरे बरेली में बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी जमीन डीलर हड़प रहे हैं। मामला करेली थाना सुभाष नगर बदायूं रोड साउथ सिटी केसरबाग का है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि ये जमीन सीलिंग की जमीन थी, जिसमें 20 साल पहले कुछ डीलरों ने प्लाटिंग कर डाली। ग्राम बेटी के रहने वाले भजन लाल ने प्रॉपर्टी खरीदकर बैनामा कराया और दो दुकानें बनवा डाली। जैसा कि शासन प्रशासन की निगरानी में रहते हुए अवैध दुकानों पर जेसीबी चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। अब मुख्यमंत्री के राज्य में सीलिंग या ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। देखिए, ये सीलिंग की जमीन है और ये 256 मिलियन नंबर है, जिसमें 3770 स्क्वायर मीटर जगह बरेली विकास प्राधिकरण को सीलिंग विभाग से मिली हुई थी। लेकिन इस पर जो बहनामे थे वो किसी अन्य जगह के थे और लोगों ने यहाँ पर उन्हीं बहनामों के आधार पर अपनी मार्केट बना ली थी। इसकी हम लोगों ने अपने लैंड डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी जाँच कराई। स्थानीय लेखपाल से भी हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट लगवाई। यह जो जमीन है 3770 स्क्वायर मीटर सीलिंग की जमीन है, जो बरेली विकास प्राधिकरण की है, उसी के तहत आज वो कार्रवाई की गई है और इस जमीन को चिन्हीकृत करके आज हम लोग इसमें बाउंड्री और अपना बोर्ड भी लगवाएंगे। इस पर जिन लोगों ने बहनामे कराए उन पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सर, ये आरोप लगा रहे हैं कि और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी गई और सूचना के एक तारीख वगैरह बदल दी गई, ऐसा आरोप। देखिए, इन लोगों को प्रॉपर नोटिस कटा हुआ था, इसका डिमोलिशन ऑर्डर भी है। इसके अलावा ये जमीन बरेली विकास प्राधिकरण की है, सीलिंग से जमीन जो है बरेली विकास प्राधिकरण की है। हमारे पास जो रजिस्ट्री होती है, हमारे पास जो हमारा जमीन का जो घाटे हमको सीलिंग से मिले हैं उसमें हमारे उसमें दर्ज है।